प्रतिष्ठा की। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही हैं और इस दौरान अयोध्या में तुलसी पीठ के जगत गुरु राम भद्राचार्य के जन्मदिन के मौके पर अमृत महोत्सव का आयोजन किया गया। कार्यक्रम को भव्य बनाने के लिए राम मंदिर का मॉडल तैयार किया जा रहा है। अयोध्या में 22 जनवरी को होने वाले प्राण प्रतिष्ठा की तैयारियां अंतिम चरण में। प्राण प्रतिष्ठा की तारीख जैसे जैसे नजदीक आती जा रही है, पूरी अयोध्या राममय होती जा रही है। आप तस्वीरों में लकड़ी के राम मंदिर का भव्य मॉडल देख रहे हैं। दरअसल ये राम मंदिर का मॉडल तुलसी पीठ के जगतगुरु राम भद्राचार्य के 75वें जन्मदिन के मौके पर मनाए जाने वाले अमृत महोत्सव के लिए तैयार किया जा रहा है। ये राम मंदिर का मॉडल के साथ ही हम लोग इस कार्यक्रम स्थल को एक भव्य स्वरूप देने को, इस कार्यक्रम स्थल को राममय बनाने के लिए एक गैलरी डिजाइन की जा रही है। गेट से घुसते ही जो राम कथा की व्याख्या करेगी, राम कथाओं की व्याख्या करेगी मूर्तियों के माध्यम से, कलाओं के माध्यम से, उस गैलरी के बाद एक राम चौराहा बनेगा जिस चौराहे पे माता सीता राम जी की मूर्ति रखी जाएगी। इसके अलावा स्टेज पे हमारे ये राम मंदिर के स्वरूप का बैकड्रॉप होगा, जिस बैकड्रॉप की तैयारी आप देख रहे हैं। जगत गुरु राम भद्राचार्य के जन्मदिन पर अमृत महोत्सव का आयोजन 14 से 22 जनवरी तक अयोध्या में होगा। इस दौरान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा भी होगी। दोनों कार्यक्रम एक साथ होने की वजह से राम भद्राचार्य के शिष्य काफी उत्साहित है, लिहाजा वो इस कार्यक्रम को भव्यता देने की कोशिश में लगे। इस दौरान कई तरह के कार्यक्रम किए जाएंगे जिसकी जमकर तैयारियां की जा रही हैं। हेमा मालिनी, मालिनी अवस्थी, कुमार विश्वास जैसे बड़े कलाकार भी कार्यक्रम के दौरान अपनी कला का प्रदर्शन करेंगे। यहां पे 1008 कुंडी हनुमान महायज्ञ होने वाला है, जिसमें हनुमान जी को 25 करोड़ आहुतियां दी जाएंगी। इसकी पूर्णाहुति 22 जनवरी को होगी, जो 14 जनवरी से शुरू होगा। इसके अलावा ये 10,000 की स्ट्रेंथ का एक पंडाल तैयार हो रहा है, जो 60 मीटर हैंगर पे है, और इसको इसमें गुरु जी की श्रीराम कथा होनी है। देश के बड़े बड़े कला साधक हेमा मालिनी जी, मालिनी अवस्थी जी, कुमार विश्वास जी, ये लोग अपनी स्वेच्छा से रामलला को, गुरु जी को के प्रति श्रद्धा रखते हुए अपनी प्रस्तुति देने के लिए आ रहे हैं। राम भद्राचार्य के शिष्य रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को रामराज्य से जोड़ कर देख रहे हैं। उनका कहना है कि रामलला अपने घर में विराजमान हो रहे हैं, वो इस बात का भी संकेत है कि भारत विश्व गुरु बनने की राह पर है। खास करके मैं कहना चाहता हूं कि ये जो जागृति हो रही है, ये जो पुनर्जागरण की बात इन्होंने कही हमारे भाई ने, तो मैं आपको बता दूं कि पूरे विश्व में भारत विश्व गुरु कैसे बने, ये रामलला स्थापित हो रहे हैं। इसका अर्थ यह है कि आने वाले समय में हम लोग विश्व गुरु बनने जा रहे हैं, क्योंकि राम राज आने वाला है। अभी तक हमारे प्रभु रामचंद्र जी एक तंबू में थे, उसको योगी जी महाराज ने एक भवन में लाया और हमारे प्रधानमंत्री जी उन्हें सुशोभित कर रहे हैं। अपने आराध्य भगवान श्री। तो यहां रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, बने रहिए न्यूज़ स्टेट के साथ।